लड़े की रौनक। राहुल बिना कुआ था इला बिल्ला, इसीलिए मैं घर में केबल लगाने के खिलाफ था। तुम सारा दिन ये देखती रहती हो। सारा दिन मेरे पास कुछ देखने का वक्त होता है? देखने को मिलता है ना तो बेजी के मथे के वाल मिलते हैं। 24 में से 18 घंटे में बरछाने में होती हूँ। बरछी खाने में खाने पकाना होता है, उसमें भी तुम्हारा मिजाज खराब रहता है। मोंगरे, चुंगे, मोलियां, ऐसे ऐसे बदबूदार खाने पकाने पड़े ना तो मिजाज खराब होता है। लुटिया नहीं डालता। आवाज नीचे। मुझे इस तरह औरतों का ऊंची आवाज में बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे भी पसंद नहीं है। और जाके मना कर लो, अपनी बेजी को खप डाली हुई है उन्होंने। एक तो पता नहीं तुम बेजी के पीछे क्यों पड़ी रहती हो। तो वो क्यों पीछे पड़ी रहती है मेरे पुत्रों के, वो भी हाथ धो के? आज बैठे बिठाई उन्हें ये याद आ गया कि हातम की तीहूं अकबरी और अस्करी का रिश्ता मेरे अकबर और अस्कर के साथ बचपन से था। और ये कौन सी भूलने वाली बात है, मैंने अपने प्रा को जुबान दी हुई है। तो वापस ले लो अपनी जुबान। उसको अगर जुबान चाहिए ना तो अपनी बीवी कुलसुम से ले ले। इतनी लंबी जुबान है उसकी, 10-12 बंदूक को बंट देना मुफ्त में तो भी कम नहीं होगी। तो एक तो मुझे ये नहीं समझ आती कि तुम्हें गुस्सा कुलसुम पे है कि हातम पे है। मुझे हर उस बंदे पे तप है जो मेरे शहजादे जैसे बेटों का नाम उन बार की पली बड़ी कुड़ियों के साथ ले रहा है। और चौधरी साहब, आपको जो ये हर वक्त तबलीगी दौरे पड़ते हैं ना, लिपस्टिक ना लगाओ, वाल ना खोलो, टीवी ना देखो, पुरका पहनो, ये सब तरे के तरे रह जाएंगे जब वो पतरूने कस के पहनने वालियां मथे लगेंगी हमारे। ऐसा नहीं होगा, मुझे अपने भरा पे भरोसा है, उसने उनकी तरबियत बहुत अच्छी की होगी। कैसे सवा की होगी, उस कुलसुम मिसनी ने अल्लाह जाने क्या आफतें पैदा की होंगी। सियाने कहते हैं अगर ती के चलन देखने हो तो माँ के करतूत देखो, वो लायक है मेरे अकबर और अस्कर के। तो ये दोनों खुद किस लायक हैं? क्यों, क्या बुराई है मेरे पुत्रों में? चिराग लेके ढूंढो, ऐसे पुत्र नहीं मिलते। आए आस पास के 10 पिंडों में है कोई मेरे अकबर जैसा शरीफ, नेक, पढ़ा लिखा, समझदार है? तुम जानती हो सहरा, बाबा गुस्से में फिर भी तुम बाहर जा रही हो। बाबा गुस्से में कब नहीं होते हैं? अगर तुम राज की पार्टी में जा रही हो तो मामा और बाबा में एक और जंग छिड़ जाएगी। ये भी कोई नई बात नहीं है, और तुम्हारी ये बोरिंग लेक्चर्स भी कोई नए नहीं है। इस घर में सभी कुछ बहुत पुराना है, एवरीथिंग इज वेरी ओल्ड। ऐसे में अगर घर से बाहर नहीं जाऊंगी तो मैं तो मर जाऊंगी। बेकी, मामा ने स्मोकिंग शुरू कर दिया क्या? मामा? यार मामा और बाबा समझ रहे थे कि शायद मैंने सिगरेट पीना शुरू कर दिया। एंड यू नो दैट आई हेट स्मोकिंग। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद देम। एनीवेज, बाबा को संभाल लेना, बाय। अलिफ मद आ, अलिफ मद आ, अलिफ मद आ, अलिफ मद आ। शाबाश, आ की आवाज कैसी होती है? आ आ आ, आ आ आ, आ आ आ। साफ बोलो, आ आ आ, आ आ आ। शाबाश, फिर कहो आ आ आ।